हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में, एंटी प्रो बीएनपी, जो कि हार्ट फेलियर है या नहीं ये जानने के लिए किया जाने वाला एक बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। एंटी प्रो बीएनपी बेसिकली एक तत्व है जो ब्लड में मिलता है, इसे बायोमार्कर बोलते हैं। ये हार्ट फेलियर के केसेस में ब्लड में बढ़ा हुआ मिलता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये कुछ हद तक कंफर्म करता है कि हार्ट फेलियर है। यदि ये नॉर्मल आता है तो ये कुछ हद तक कंफर्म करता है कि हार्ट फेलियर नहीं है और व्यक्ति को जो सांस फूल रही है वो दूसरे कारणों से फूल रही है। ये जानने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। आज हम इस टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह का टेस्ट है, किन लोगों में किया जाता है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। बेसिकली एंटी प्रो बीएनपी एक प्रोटीन है जो कि जब हार्ट डायलेट होता है, खिंचाव होता है, तनाव होता है हार्ट में, तो ये ब्लड में निकलता है। इसका नॉर्मल हार्ट फेलियर में ये फंक्शन होता है कि जब ये ब्लड में निकलता है तो पेशाब बढ़ाने का काम करता है, जिसके द्वारा हार्ट फेलियर के सिम्टम्स कम होते हैं। तो बेसिकली ये इनडायरेक्टली हमको ये बताता है कि हार्ट डायलेट हुआ है, हार्ट में खिंचाव हो रहा है, हार्ट में पानी ज़्यादा भर गया है, हार्ट फेलियर हो रहा है। तो जब कभी ये ब्लड में पॉजिटिव आता है ये हमें इनडायरेक्टली ये बताता है कि हार्ट फेलियर हुआ है। लेकिन अपने आप में इस रिपोर्ट के काफ़ी गलत होने के भी चांसेस होते हैं। कई बार ऐसी बीमारियों की वजह से जिसमें लंग्स पर भी स्ट्रेच हो और हार्ट पर तनाव हो, या एम्बोलिज्म वगैरह जिसमें हार्ट की नलियों में क्लॉट होता है, वैसी बीमारियों में भी ये पॉजिटिव आ सकता है। इसलिए इसको बाकी टेस्ट के साथ में करना चाहिए, आइसोलेटेड अपने आप में इसको करने में कई बार गलत रिपोर्ट आ सकती है या ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इसलिए इसको सोच समझ के करना चाहिए। ज़्यादातर इसकी यूटिलिटी वहाँ पर है जहाँ किसी व्यक्ति को तेज सांस फूल रही है, अचानक वो हॉस्पिटल में आया है, आपको इको देख के या ईसीजी देख के या एक्सरे देख के समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति को हार्ट फेलियर है या लंग्स फेलियर है, ये डिसाइड करना मुश्किल है। या मान लीजिए पहले से ही पेशेंट को हार्ट फेलियर है लेकिन अभी कुछ नया ऐसा हुआ है जो हार्ट फेलियर है या नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपको बता सकता है कि व्यक्ति की कंडीशन में अभी उसको हार्ट फेलियर है या लंग्स फेलियर है। कई बार ऐसा पेशेंट्स में होता है कि एक्सरे दोनों पेशेंट में लगभग वाइट जैसा दिखता है, चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे पानी भरा हो, ARDS हो या हार्ट फेलियर हो, दोनों में वाइट लंग्स दिखता है। ECG कई बार माइल्ड या नॉन स्पेसिफिक चेंजेस देता है। इको में थोड़ा सा पंपिंग डाउन होता है लेकिन बहुत ख़राब नहीं होता है। तो वैसे केसेस में आपको समझ में नहीं आता कि यार ये व्यक्ति को मैं हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट करूँगी, लंग्स फेलियर का, दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। हार्ट फेलियर में हमें पेशाब बढ़ाने पर फोकस करना पड़ता है, हार्ट को ताकत देने पर फोकस करना पड़ता है। लंग्स फेलियर में नलियों को डायलेट करने के लिए या लंग्स को ऑक्सीजन देने के लिए या वेंटिलेटर वगैरह करने पर फोकस करना पड़ता है। हार्ट फेलियर जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, लंग्स फेलियर नहीं रिस्पॉन्ड करता है, बहुत लंबा टाइम लगाता है। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि दोनों में हार्ट फेलियर है कि लंग्स फेलियर है, खासकर उन केसेस में जहाँ बाकी सब रिपोर्ट्स डाउटफुल हैं, तो वहाँ पर ये टेस्ट आपकी मदद करता है। अगर वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, यानी एंटी प्रो बीएनपी अगर 1000 से ज़्यादा है, कई हज़ारों में, तो हार्ट फेलियर श्योर शॉट है। अगर 100 से कम है तो फिर लंग्स फेलियर की तरफ ज़्यादा पॉइंट करेगा। कई बार थोड़ी बहुत बड़ी भी वैल्यूज़ या बीच की वैल्यूज़ आती हैं जहाँ पे आपको बाकी टेस्ट के साथ इसको मिला के जज करना पड़ता है कि हार्ट फेलियर है या लंग्स फेलियर है। ये टेस्ट का, जैसा कि मैंने बोला, बहुत एक्यूरेट टेस्ट नहीं है, बहुत बार इसको हमने गलत होते देखा है। ये कई बार हार्ट फेलियर में भी ये थोड़े लो टाइटर्स में आता है और लंग्स फेलियर में भी थोड़ा मीडियम या हाई टाइटर्स में आ सकता है। लेकिन ये अगर हाई टाइटर्स में पॉजिटिव है तो आप पेशेंट को पेशाब बढ़ाने वाली दवाई या हार्ट फेलियर के हिसाब से ट्रीट करने के लिए ज़्यादा इंक्लाइन हो जाते हो। दूसरा चीज़ ये भी है कि ऐसे पेशेंट्स में कई बार अगर लगता है कि पेशेंट को बाकी रिपोर्ट्स लंग्स की तरफ पॉइंट कर रही है, सिर्फ ये रिपोर्ट पॉजिटिव आ गए, तो वहाँ पे कई बार ऐसा भी डिसीजन लेना पड़ता है कि आप दोनों के लिए ट्रीट करो और हार्ट फेलियर और लंग्स फेलियर दोनों को ट्रीट करो। फिर बाद में एक आध दिन के बाद रिपीट वैल्यूज़ करके आप देखो कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, बाकी पैरामीटर्स ठीक हो रहे हैं कि नहीं, बार बार इको में क्या फाइंडिंग्स चेंज हो रही है, उसके हिसाब से आप फिर जज करते हो कि पेशेंट को प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो बेसिकली ये एक सप्लीमेंट टेस्ट है जो ECG, इको या एंजियोग्राफी या एक्सरे के साथ में यूज़ किया जाता है, ये जज करने के लिए या फ़र्क करने के लिए कि ये व्यक्ति को हार्ट फेलियर है या नहीं। 100% एक्यूरेट टेस्ट नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक मदद कर सकता है ये जानने में कि इसको हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं है। पूरी तरह से बहुत हाई वैल्यूज़ आए या बहुत लो वैल्यूज़ आए तो वो काफ़ी यूज़फुल है, पर जहाँ बीच की वैल्यूज़ आती हैं या बॉर्डरलाइन वैल्यूज़ आती है, 700, 800, 1000 इस तरह की वैल्यूज़ अगर आती है, तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पे आपको बाकी पैरामीटर्स के साथ कोरिलेट करके ही जज करना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है। ज़्यादातर एंटी प्रो बीएनपी के रेफरेंस वैल्यू
अगर 100 से कम है तो लंग्स फेलियर को इंडिकेट करता है, 1000 से ज़्यादा हो तो हार्ट फेलियर को इंडिकेट करता है। BNP भी लगभग उसी तरह का टेस्ट है। BNP मतलब ब्रेन नाइट्रोटिक पेप्टाइड, एंटी प्रो BNP मतलब एंटी प्रो, उसका एक अलग तरह का मार्कर है, वो भी ब्रेन नाइट्रोटिक पेप्टाइड होता है, तो वो टेस्ट भी लगभग वैसा ही है। उसकी कट ऑफ वैल्यूज थोड़ी अलग रहती है और दोनों की इंपॉर्टेंस लगभग सिमिलर है। एंटी प्रो BNP को ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी थोड़ी ज़्यादा है रेगुलर BNP के बदले, तो इसलिए एंटी प्रो BNP को ही ज़्यादातर टेस्ट किया जाता है। ये एक डायनामिक मार्कर है जो डे टू डे चेंज भी हो सकता है, तो उसमें यह भी अपने को मदद मिलती है कि पेशेंट थेरेपी को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए। मान लीजिए आज एंटी प्रो BNP आया 10,000, दो दिन में हमने थेरेपी किया, हमको समझ में नहीं आ रहा है बाकी टेस्ट के द्वारा कि पेशेंट को रिस्पॉन्स हो रहा है कि नहीं, पेशेंट ऑलरेडी वेंटिलेटर पे, तो अगली बार हमने अगर एंटी प्रो BNP किया और वो 1,000 या 2,000 पे आ गया तो इसका मतलब पेशेंट दवा को रिस्पॉन्ड कर रहा है। और मान लीजिए 10,000 था और अगले दिन 15,000-20,000 पे आ गया तो इसका मतलब कि हार्ट और डायलेट हो रहा है और पेशेंट थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो बार बार वैल्यूज को करने से भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पेशेंट टेस्ट जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगेन मैं वो कहूँगा कि इसमें आपको सिर्फ आइसोलेटेड इसकी वैल्यूज़ पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, कई बार ये गलत हो सकता है, पर अगर बहुत हाई डिफरेंस अगर आ रहा है तो आप उसको जजमेंट में ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए कल 1,000 था और आज 1,025 है या 1,100 है तो उसकी वैल्यूज़ में बहुत फ़र्क नहीं है तो आपको उतना हेल्प नहीं करेगा, या कल 800 था आज 700 है तो उतना फ़र्क नहीं है, पर कल 1,000 था और आज 10,000 है, कल 1,000 था और आज 8,000 है, बहुत फ़र्क अगर आ रहा है तो फिर डेफिनेटली इंडिकेट करेगा कि हार्ट फेलियर बिगड़ रहा है, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। मान लीजिए कल 8,000 था और आज 1,000 है, या आज बहुत लो आ गया, नॉर्मल जैसा आ गया है, तो वहाँ पर वो इंडिकेट करेगा कि पेशेंट ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया है और थेरेपी का फ़ायदा हो रहा है पेशेंट को। तो बेसिकली ये एज अ मार्कर आप यूज़ कर सकते हो ये जज करने के लिए कि पेशेंट आपकी थेरेपी को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है और कितने लेवल पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, आगे आपको कितना अग्रेसिव थेरेपी करने की आवश्यकता है या नहीं। ये आपको ये भी बताने में उपयोगी है कि हार्ट फेलियर कितना सीवियर है। मान लीजिए हार्ट फेलियर अगर किसी का 1,000 है और किसी का 10,000 है तो जिसका 10,000 है उसको हार्ट फेलियर ज़्यादा सीवियर है, जिसको 1,000 है उसका हार्ट फेलियर कंपेरेटिवली कम सीवियर है। तो कितना ज़्यादा बुरा हार्ट फेलियर है ये बताने के लिए मदद करता है। जिसका जितना ज़्यादा सीवियर हार्ट फेलियर उतना ज़्यादा पेशेंट को लॉन्ग टर्म मृत्यु होने का चांस ज़्यादा रहेगा, हार्ट फेलियर में मृत्यु होने का चांस ज़्यादा रहेगा। क्रॉनिक हार्ट फेलियर में भी उसको यूज़ करते हैं, ये तो हमने बात की कि अक्यूट सडन हार्ट फेलियर में कोई पेशेंट आएगा वहाँ पे आप इसको यूज़ करते हो, पर क्रॉनिक हार्ट फेलियर या लॉन्ग स्टैंडिंग हार्ट फेलियर पेशेंट में भी दवाओं से अगर पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है तो एंटी प्रो BNP की लेवल्स कम होंगी, दवाओं से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो एंटी प्रो BNP की लेवल्स बढ़ सकती हैं। क्रॉनिक हार्ट फेलियर में भी अगर सडन पेशेंट की कंडीशन बिगड़ रही है, मान लीजिए पेशेंट को पंप फंक्शन 20% था लेकिन सडनली अभी उसको सांस फूल रही है और आपको इको में पूरा समझ में नहीं आ रहा कि हार्ट फेलियर बिगड़ा है कि इन्फेक्शन की वजह से लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, दोनों ही कंडीशन काफ़ी कॉमन है कि निमोनिया भी हार्ट फेलियर पेशेंट में कॉमन है, तो दोनों में क्या इशू है वो जज करने के लिए भी एंटी प्रो BNP कई बार आपकी मदद करता है। हालांकि आपको उसको बार बार चेक करके भी और बार बार इको ECG से कोरिलेट करके भी जज करना पड़ता है कि ये वैल्यू सही है या नहीं, तो गलत हो भी सकता है। जिन लोगों का किडनी का प्रॉब्लम होता है वहाँ पे एंटी प्रो BNP फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि नॉर्मली ये किडनी के द्वारा ही बॉडी में से बाहर निकलने वाला प्रोटीन है, तो अगर ये किडनी का प्रॉब्लम किसी को है, किडनी फेलियर में है, तो हार्ट फेलियर हुए बिना भी ये पॉजिटिव आ सकता है। उम्र दराज पेशेंट और फीमेल्स में एंटी प्रो BNP की बेसलाइन वैल्यूज़ भी ज़्यादा आ सकती है, यंग लोगों में, मेल लोगों में थोड़ा कंपेरेटिवली कम वैल्यूज़ आती है, फीमेल और उम्र दराज में थोड़ी ज़्यादा आती है। दवाइयों के इफेक्ट से भी इसका वैल्यूज़ चेंज हो सकती है, जहाँ आपने हार्ट फेलियर की मेडिसिन दी या पेशाब बढ़ाने वाली दवा दी तो अपने आप ये वैल्यूज़ कम हो जाती है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हार्ट फेलियर पूरी तरह ठीक हो गया, कई बार दवाओं के इफेक्ट से भी तुरंत ही पेशेंट में थोड़ा चेंज आ सकता है। एसी निबिटर्स और ARBs जो किडनी पर काम करने वाले हॉर्मोन्स या तत्व हैं वो नॉर्मली पेशाब बढ़ाने का भी काम करते हैं, वो दवाइयों के इफेक्ट से इसकी वैल्यूज़ अपने आप कम तुरंत भी हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि वैसे पेशेंट में उतना जल्दी हार्ट फेलियर रिस्पॉन्ड किया हो। तो ये सारी चीज़ों के साथ ही इसको जज किया जाता है। ज़्यादातर ये टेस्ट जो है इमरजेंसी में हार्ट फेलियर है या लंग्स फेलियर है वो डिफ्रेंशिएट करने में काम आता है। जो क्लियर कट केस है जहाँ पे आपको ECG देख के और इको देख के तुरंत ही समझ में आ रहा है वहाँ इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप पेशेंट का 1,000-2,000 रुपये का टेस्ट आता है वो खाली बर्बाद होगा। जहाँ पे डाउटफुल केस है वहीं पे इसको यूज़ करते हैं। मान लीजिए हार्ट अटैक का पेशेंट को अगर लंग्स में पानी भर गया है तो आप उसमें टेस्ट नहीं करोगे, जहाँ आपको क्लियर कट इको में दिख रहा है कि पेशेंट हार्ट फेलियर में जा चुका है तो वहाँ पे आप इसको नहीं करोगे, पेशेंट का पैसा बिगड़ेगा। पर जहाँ पे डाउटफुल केस है, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है,
वहीं पे आपको करना चाहिए। मान लीजिए दूसरी तरफ कोई पेशेंट को निमोनिया है और आपको पहले से पता है हार्ट उसका अच्छे से काम कर रहा है, इको वगैरह सब बढ़िया है, तो फिर एंटीप्रो बीएनपी करने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही नॉर्मल आएगा और पेशेंट का 1-2 हज़ार रुपये वेस्ट हो जाएगा। यूजली लगभग 2 हज़ार के आसपास का इसका टेस्ट वैल्यू होता है। इसको तब कराइए जहाँ आपको डाउट है और जब आपको लगता है कि ये कराने से आपको डिफ्रेंशिएट करने में मदद मिलेगी कि हार्ट फेलियर है और लंग्स फेलियर है, और उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी चेंज होगा, वहीं पे इसको करना चाहिए। हर केस में इसको फालतू में करने का मतलब नहीं है, अननेसेसरी हॉस्पिटल बिलिंग थोड़ा बढ़ जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने एंटीप्रो बीएनपी टेस्ट क्या होता है इस बारे में बात करी, और ये किस केस में किया जाता है, क्या इसकी वैल्यू है, क्या फ़ायदे नुकसान है, इस बारे में बात करी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, ताकि ये कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और आपको इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकें।